समाजवादी पार्टी नयापुरे की आज राबता ऑफिस का इफ्तिताह हुआ और आप देखेंगे कि इस राबता ऑफिस से इलेक्शनी कामकाज नयापुरे के पूरे हिस्से के यहाँ से किए जाएंगे। नयापुरा वो हिस्सा है जहाँ निहाल साहब रहे, जहाँ आज के मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल रहे। नयापुरे के लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मौजूदा MLA का बहुत साथ दिया, मगर आज आप जो लोगों को देख रहे हैं मेरे आसपास, ये ऐसे लोग हैं जो नयापुरे का इलेक्शन पलटना जानते हैं। जो मायूसी 20 साल से थी निहाली लोगों में, वो कहीं ना कहीं मायूसी ख़त्म हुई और एक नई उमंग और नई चार्जिंग के साथ, अगर मैं आम जवान में बोलूं तो ये सब पुराने लोग हैं मगर नौजवानों का भी जोश है, तो एक नई उमंग के साथ ये लोग आए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 23 नवंबर को जब नयापुरे की पेटी खुलेंगी तो शहर हैरान रह जाएगा। इस शहर में अगर नयापुरे के लोगों ने साथ दिया, नयापुरा हमेशा लीडर देने का काम किया, यही नयापुरे ने निहाल अहमद जैसा लीडर दिया और यही नयापुरे ने मौजूदा MLA जैसा लीडर दिया, जिसके बारे में आज भी निहाल साहब का इंतकाल हुए आज करीब 10 साल हो रहा है, मगर हम जब मंत्रालय जाते हैं या शहर के दूसरे हिस्से में जाते हैं तो आज भी निहाल साहब के बारे में कि एक उसूली लीडर थे, कभी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी भ्रष्टाचारी का इल्ज़ाम नहीं लगा, ये निहाल अहमद थे जो आज भी महाराष्ट्र में जब जाओ बोला जाता है। और यही आज मौजूदा MLA जो नयापुरे के हैं, जब कहीं चले जाओ दूसरी पार्टी के लीडरान से मिलो तो एक ही बात बोली जाती है कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा। 5 साल इन्होंने मंत्रालय की गलियों में सिर्फ पैसे के लिए घूमा और कहीं ना कहीं ये मालेगांव और नयापुरे जैसे पढ़े लिखे, जहाँ पे उल्मा रहते हैं, जहाँ पे टीचर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, एक ऐसा तबका रहता है जो मालेगांव शहर को एक राह बताता है, ऐसे हिस्से के MLA रहने के बाद भी उन्होंने मालेगांव शहर की बदनामी ही की है। आप किसी भी दूसरे सियासी पार्टी के लीडर से आप पूछिए। और आज हमारी नयापुरे की राबता ऑफिस का जो इफ्तिताह हो रहा है, मैं आए हुए यहाँ जो पुराने लोग हैं और जो नए नौजवान हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि और ये यकीन के साथ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ नयापुरे में, यही महसूस ये लोग भी कर रहे हैं कि 23 नवंबर को नयापुरे की पेटी खुलेंगी तो मौजूदा MLA की आँख फटी रह जाएंगी। ये नवयत नयापुरे की है, ये शहरियान को ये बात समझना चाहिए, क्योंकि नयापुरे के लोगों के लिए, नयापुरे में रहने वालों के लिए, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के लिए किसी भी किस्म का काम नहीं किया गया। यहाँ तक के मुझे नयापुरे के लोगों ने बोला कि एक आम MLA का लेटर लेने के लिए भी हमें दर दर भटकना पड़ता था, कभी कोई पनपट्टी पे भेजा जाता था, कभी कोई जगह भेजा जाता था। मैं हमेशा सियासी बात कर रहा हूँ, अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एक सियासी पार्टी के MLA थे, एक सियासी लीडर थे, तो उन्होंने सियासी तौर पे क्या काम किया नयापुरे के लिए वो बताए। मजहबी स्टेज से या मजहबी कोई जमीयत के नाम से जो काम है वो MLA का काम नहीं है। जमीयतुल उलमा का काम की हम सराहना करते हैं, मगर वो जमीयतुल उलमा का काम है। पॉलिटिशियन होने के नाते इन्होंने नयापुरे के लिए एक लेटर तक नहीं दिया। गरीब लोग जब आते हैं, मैं कई लोगों को सर दूसरे MLA का लेटर हमारे पास आते रहते देता था कि उनका काम हो जाए। ऐसे हालात नयापुरे के आम लोगों के रहे कि नहीं रहे, कभी यहाँ कोई सरकारी दरबारी, कोई ऐसा सरकारी कागजात का काम, और ऐसे अपने लड़के को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसने कभी एक राशन कार्ड नहीं बनाया, और ऐसे लड़के को नयापुरे पर थोपने की कोशिश की जा रही है, उसके बड़े बड़े फ़ोटो लगाए जा रहे हैं, जिसने कभी एक किसी का जन्म दाखिला नहीं बनाया, मृत्यु दाखिला नहीं बनाया, राशन कार्ड नहीं बनाया, कभी FDO नहीं गया, कभी ज़मीन पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो उनका लड़का है, इसलिए खानदानी अजारादारी, खानदानी विरासत उसको दी जाए, ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने हमेशा ज़मीन पर काम किया,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम निहाल साहब के नाम से पहचाने जाते, बिल्कुल सच बात है, मगर हमने निहाल साहब के काम काज को आगे बढ़ाया, इसलिए आज शहर तब्दीली की तरफ है और वो तब्दीली इंशाअल्लाह नयापुरे से शुरू होंगी। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।